हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल से फूडी रे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम हमारे पप्पा के लिए एक बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी नारियल मावा मोदक बनाएंगे। इस मोदक के लिए जो मावा है वो हम घर में ही बनाएंगे और इसे मीठा करने के लिए हम चीनी नहीं गुड़ का यूज़ करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। एक चम्मच घी गरम कीजिए, उसमें एक टेबलस्पून कटे हुए बादाम, एक टेबलस्पून कटे हुए काजू और एक टेबलस्पून कटे हुए अखरोट डालिए। हल्की आँच पर एक मिनट के लिए भून लीजिए। हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। इसमें आधा कप ताज़ा घिसा हुआ नारियल ऐड कीजिए, उसे भी एक मिनट तक हल्की आंच पर भून लीजिए। नारियल अच्छे से भून चुका है, इसमें एक चौथाई कप गुड़ का पाउडर ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। अब इस गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को एक प्लेट पर ट्रांसफर कर दीजिए। घर पे मावा बनाने के लिए एक चम्मच घी गरम कीजिए, उसमें एक चौथाई कप दूध डालिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। दूध में एक उबाल आने दीजिए और इसमें आधा कप मिल्क का पाउडर ऐड कीजिए। हम सारा मिल्क पाउडर एक साथ नहीं ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर गुठली बन रही हो तो उसे अच्छे से रिमूव कर देना है मिक्स करते करते। अब बचा हुआ मिल्क पाउडर ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स करते रहिए। धीरे धीरे ये मिक्सचर थिक होने लगेगा। दस केसर के धागे ऐड करके अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए मिक्सचर अच्छे से थिक हो रहा है। हमारा होममेड मावा बिल्कुल तैयार है। इसमें नारियल और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर ऐड कर दीजिए और एक चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए मिक्सचर और थोड़ा सा थिक हो चुका है। मिक्सचर अब इकट्ठा होने लगा है और ये बिल्कुल तैयार है। एक प्लेट पे ट्रांसफर कर दीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथ में रोल करके देखिए, अगर एक बॉल बन रहा है तो आपका मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। एक मोदक के मोल्ड को लीजिए, हल्के से घी से ग्रीस कीजिए, थोड़े पिस्ते के पीसेस ऐड कीजिए और थोड़ी सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी ऐड कीजिए। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसका एक बॉल सा बनाइए और इसे इस मोल्ड में रख दीजिए। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा मिक्सचर रख दीजिए। मोल्ड को बंद करके प्रेस कीजिए और जितना एक्स्ट्रा मिक्सचर निकल रहा है ना मोल्ड के बाहर, उसे निकाल दीजिए। नीचे से भी निकाल दीजिए, अच्छे से हाथों से दबा दीजिए। अब धीरे से मोल्ड को खोलिए और मोदक को हल्के हाथों से बाहर निकालिए और लीजिए। कुछ ही मिनटों में हमारे गणपति पप्पा के लिए बहुत ही इजी और टेस्टी नारियल मावा मोदक बिल्कुल तैयार है। तो आप भी अपने घर पे ये बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी नारियल मावा मोदक बना के देखिए और गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे। गणपति बाप्पा मोरिया।